Welcome to my channel, All-Rounder Girl. मैं हूँ शेफ होंजा और आज मैं हाजिर हूँ एक और अमेजिंग सी रेसिपी के साथ. तो आज हम बना रहे हैं गोल गप्पे, वो भी यूनिक स्टाइल में. आपने आज तक बहुत से गोल गप्पे खाए होंगे, बट ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये है थोड़ा हटके. सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर वीडियो. सबसे पहले हम अपने गोल गप्पों की जो डो होती है जिससे हमारी पानी पूरियाँ रेडी होंगी, तो उन पूरियों का वो ले लेते हैं. अब देखिए, मैंने यहाँ पर मेजरमेंट कप लिया और यहाँ पर मुझे टोटल 1 कप चाहिए. जिसके पास मेजरिंग कप है वो इससे ही मेजर कर ले, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल कप से भी मेजर कर लें, लेकिन मेजरमेंट शुड बी वेरी परफेक्ट. अगर आपका हिसाब सही नहीं होगा तो आपके गोल गप्पे वो फूलेंगे नहीं और गोल नहीं हो पाएंगे. तो अब जब 1 कप हमने ये लेना है तो हमने इसका 1/4 कप लेना है मैदे का. अगर किसी के पास ये नहीं है और वो नॉर्मल कप यूज़ कर रहे हों तो फिर उन्हें ये चाहिए कि वो ले लें 4 टेबल स्पून. 1/4 कप इज़ इक्वल्स टू 4 टेबल स्पून आप जो है ले लें मैदे के, लेकिन कटेड टेबल स्पून. लाइक इसको आपने ऊपर से जो है उसको ऐसे कट करना है और बिल्कुल लेवल करके ऐड कर देना है 4 टेबल स्पून ऑफ मैदा. आपकी जो मेजरमेंट है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज आपके अगर मेजरमेंट में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो आपका गोलगप्पा जो है वो फूलने नहीं वाला. अब हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक. आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं. मिक्स वेल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स. सबसे पहले आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना होगा. फिर हमने लेना है पानी. पानी में से यहाँ मेरे धुआं निकल रहा है, इतना गर्म पानी आपने लेना है कि आपके पानी के अंदर से धुआं निकल रहा हो. तो अब आपने जो है गर्म पानी के साथ इसको नीट करना है. हाथ मत जला लीजिएगा, टेक स्पून और बिल्कुल पेशेंस वाइज उसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके स्पून के साथ ही मिक्सडअप कर दें. जब आप देख लें कि आपकी डो जो है वो थिकली रेडी हो चुकी है, देन आप उसके अंदर हाथ डाल कर उसको नीट कर लें. अभी मैं इसको विद द हेल्प ऑफ स्पून, जो मेरा गर्म पानी है, बिल्कुल हॉट हॉट वाटर, वार्म वाटर नहीं है ये, हॉट वाटर है, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लूँगी. और अपनी डो की थिकनेस के बाद ही मैं इसको नीट करने लगूँगी अपने हैंड्स से. हो गया है हमारा पानी ऐड सारा जितना हमें चाहिए था. यह आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो डो है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए. डो शुड बी हार्ड, वो सख्त होनी चाहिए. अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे और एक लम्प की शक्ल में हम इसको एक बाउल सा बनाकर रख देंगे. मैं यहाँ पर इसको बस सेट कर रही हूँ अपने हैंड्स की मदद से. इसको ज़्यादा कोई गूंदना नहीं है, प्रेशर नहीं देना. बना लिया है मैंने अपना लम्प, सेट कर देते हैं इसको 15 मिनट के लिए. अपने छोड़ देना है, कवर करके साइड कर दें. 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ मेरी डो रेडी है. अब मैं इसको 2 पार्ट में कर रही हूँ डिवाइड, और मैं बना रही हूँ जैसे रोटी के लिए हम बनाते हैं पेड़ा, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको 2 पेड़ों में डिवाइड कर लेंगे अच्छे तरीके से. यहाँ मैंने 1 बना लिया है और मेरा 2nd भी हो गया है यहाँ पर रेडी. अब हम करते हैं नेक्स्ट काम, इसको बेलने का. ऐसे फ्लैट कर लें, हल्का सा लगा लें आप मैदा डस्ट कर लें, और उसके बाद आप इसको बेल लें. मैं इसको बेल चुकी हूँ, बिल्कुल बारीक आपने इसको बेलना है. और एक दफ़ा खुशका लगाने के बाद दोबारा आपने खुशका नहीं लगाना, और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है. थोड़ा प्रेशर लगा के आपको जो है करना पड़ेगा. अच्छा, आपको अपने जो भी गोलगप्पे हैं उनको फुलाने के लिए जो ट्रिक है वो अब आपने थोड़ा ध्यान से और गौर से देखना है आगे. पहले आप इसको जो है ना थिन फ्लैट करके बिल्कुल बेलें, ये नहीं कहीं से मोटा छोड़ दिया और कहीं से थिन कर दिया, नहीं. आपने पूरा इसको लेवल अप करना है. अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक लिड है ये मेरे पास एक कंटेनर का, तो मैं इस लिड की हेल्प से ही अपने गोलगप्पों को शेप दे रही हूँ. इट्स टोटली अप टू यू, आप जो भी चीज़ आपके पास हो कटिंग के लिए वो आप उसको काट लें और इससे बना लें छोटे छोटे से शेप्स. तो मैं यहाँ पर इसके सारे शेप्स बना लूँगी. बन के हो गए हैं तैयार, एक्सेस को हम हटा लेंगे. अब द ट्रिक जो है हमारी गोलगप्पों को फुलाने की, वो कुछ यूँ है कि जिस साइड आपने बेले हैं इसका नीचे जो सरफेस से टच है, जो नीचे लगा हुआ है साइड, उसकी को आपने उठाना है और इसी डायरेक्शन में ऐसे ही जो नीचे वाली तरफ थी वो नीचे ही रहनी चाहिए. ऐसे करके आपने ऑयल के अंदर इसको कर देना है ऐड. ऑयल अच्छा खासा हॉट है, देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं. फिर इस तरीके से ऑयल को इसके ऊपर आपने डालना है और शानदार तरीके से पूरा का पूरा फूल जाएगा आपका गोलगप्पा. यहाँ आप देख सकते हैं आपकी जो पूरियाँ हैं वो बहुत अच्छे से फूल रही हैं, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकल के आया है मेरी पूरी का. टर्न ऑफ नेक्स्ट. अब हम देखते हैं इसको भी उसी तरीके से डालना है, जिस साइड पे आपने बेला है उसी साइड पे आप इसको मिलाएंगे, ऐड करेंगे, और इस तरीके से आप इसके ऊपर ऑयल डालेंगे.
तो आपके गोलगप्पे कभी भी स्पॉइल नहीं होंगे, कभी भी आपकी जो पूरियां हैं वो ख़राब नहीं बनेंगी। अब आपने इसको इतना छोड़ना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अगर आपने इसको इसी स्टेट पे निकाल लिया, जैसे कि ये वाइट है, अगर आपने इसी स्टेट पे निकाल लिया तो होगा क्या कि इसकी जो क्रिस्प है ये क्रिस्पी नहीं हो सकेगा और बिल्कुल ही नरम सा ऊपर से वो होगा और क्रंची ज़रा सा भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको इतना गोल्डन, जैसे मैंने टर्न किया पहले वाले को, इतना गोल्डन होने तक एटलीस्ट इसको ज़रूर पकाइएगा। यहाँ पर मैं टोटल 4 का डेमो दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि करना क्या है। जस्ट आपने उसको उठा के फ्लैट साइड पे ही, जैसा कि आपने बेला है उसी साइड पे आपने रखना है, ऊपर सिर्फ आपने ऑयल इसके ऐसे डालना है और इसको छोड़ना है इतना कि आपका जो भी पूरी है उसका कलर गोल्डन हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसी टेक्निक के साथ अपने सारे गोलगप्पों को बना लूँगी। और ऐसा नहीं है कि मेरा एक भी गोलगप्पा जो है वो स्पॉइल नहीं हुआ और सारे मेरे परफेक्ट बने, ऐसा नहीं हुआ। मेरे टोटल 6 to 7, 6 और 7 जो है मेरे भी ख़राब हुए थे। और ऐसा कभी कभार इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप डो को बेलते हैं, अपने पेड़े को बेलते हैं, तो आप उसको कहीं से मोटा और कहीं से थिन अगर छोड़ देते हैं तो ऐसा होता है। तैयार कर लेते हैं हम अपनी बूंदियाँ। हम यहाँ पर इसके अंदर बूंदियाँ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्याला लिया, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। बेसन मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 टेबलस्पून। नॉर्मल जैसे हम पकोड़े बनाते हैं, बस उसी तरीके से इस बैटर को छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे छोटी छोटी बूंदियाँ होती हैं उसके स्टाइल में आपने इसको फ्राई कर लेना है। मैं बस यहाँ पर बैटर बता रही हूँ, आपने बस उसी हॉट ऑयल में जिसमें आपने अपने गोलगप्पे फ्राई किए थे बस उसी के अंदर आपने इसको भी कर लेना है। यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने डाल दिया था इसके अंदर नमक और 1 चुटकी मैंने इसमें डाला है सोडा। और अब इसको मैं पानी के साथ कर रही हूँ मिक्स अच्छे से। अच्छा, इस बैटर को बनाना है थोड़ा सा थिक, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। इसको होना चाहिए ऐसा नॉर्मल कंसिस्टेंसी में कि ये जो है ना ठहरे जाके, बिल्कुल फ्लैट नहीं हो जाए। ये है इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और मिला रही हूँ, ज़्यादा थिक है ये। हो गया है रेडी हमारा बूंदियों का बैटर। बस आपने इसको उसी गर्म तेल में डालकर फ्राई करके निकाल लेना है। चलते हैं हम अपनी सैलेड की तरफ। यहाँ पर हम इसमें सालसा ऐड करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है टोमेटो बिल्कुल फाइन चॉप। यहाँ आप अपनी चॉपिंग स्किल्स दिखाएंगे, बहुत ही बारीक चॉप करना है। प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया, 2 मैंने ले लिया है नींबू। आपको बहुत अच्छे से इनको फाइनली बिल्कुल चॉप करना है। अब आप क्या करेंगे, ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं इनको आप कर देंगे मिक्स। सालसा सैलड है जो हम नॉर्मल बनाते हैं, खाते हैं, कचुम्बर सलाद जिसको कहा जाता है उर्दू में, वो बिल्कुल आप उसी की टेक्निक से आप रेडी कर लेंगे। मैंने इनको मिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी सॉल्ट अपना। मैंने सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून, टोटली अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अपना वो लेमन जूस जो मैंने लेमन काटे हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी। कर दिए मैंने 1 लेमन को स्क्वीज़ पूरा। अब हमारा सैलड जो है वो रेडी हो चुका है। तैयार कर लेते हैं अब हम अपने तमाम गोलगप्पे। यहाँ आप देखें ये जो हैं 7 गोलगप्पे टोटल मैंने ख़राब किए हैं, फ्लैट हो गए, और ये बूंदियाँ मैंने फ्राई करके रख ली थी। अब यहाँ पर आप देखें ये रहे मेरे कामयाब गोलगप्पे, 35 गोलगप्पे कामयाब रहे और 7 गोलगप्पे हो गए ख़राब। तो कोई बात नहीं, आप उसको क्रिस्प को भी इंजॉय कर सकते हैं, चाट के तौर पर खा सकते हैं और ऊपर से भी पापड़ी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इमली का पानी मैंने भिगो लिया था अपने पानी पूरी की पानी के लिए। चाट मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, सौंठ 1/4 टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून, सादा नमक जो हम यूज़ करते हैं वो भी 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून के बराबर ही मैंने लिया है टार्टरिक एसिड, टार्टरी जिसको कहते हैं। अगर जिसके पास सौंठ नहीं हो तो वो क्या करे। ये देखें लेमन, इसको आपने जो है ना अपने थोड़े से सॉल्ट को कूट के रख लेना है, उसमें थोड़ा सा लेमन और पानी डाल के रख लेना है, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्ट है। आप इसको आराम से डालें, वही फ्लेवर आएगा और अमेजिंग सा टेस्ट देगा। इसके अंदर से मैंने गुटलियाँ निकाल ली थी और ये है इमली का पानी। ऐड कर दिए अपने तमाम स्पाइसेस इसके अंदर, जो भी मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं। अगर कोई चाहे टार्टरिक एसिड को, जो टार्टरी होती है उसको रिमूव करना नहीं डालना चाहते तो मत डालें, बिल्कुल ये ऑप्शनल है। लेकिन जो हम बाहर वाला खाते हैं उसमें खटाई इसीलिए इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। बट डिपेंड्स ऑन यू, चाहे तो स्किप कर दें। 1 गिलास मज़ीद में पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर रेडी हो गया है हमारा पानी पूरी का खट्टा ज़बरदस्त मज़ेदार सा पानी। अब हम बनाते हैं मीठी चटनी। एक तो चटनी इमली से बनती है, हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे इमली की चटनी। मैंने ले लिया है दही,
फेंट लिया अच्छे से दही को, और ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 1 टेबल स्पून शुगर। मीठे दही बड़े जिसने भी खाने, ये है उसकी बेस्ट ट्रिक बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही वीडियो में कहा इट इज़ यूनिक, तो यूनिक पे हम मीठी चटनी को स्किप करके मीठा दही ऐड करेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, बना लेते हैं अपने गोलगप्पे। किसी स्पून के बैक साइड की हेल्प से इसको कर लीजिए ब्रेक। अब इसके अंदर भरिए अपना सालसा, या ये आपकी मर्ज़ी है पहले सालसा डालें या पहले आप अपनी बूंदियाँ डालें। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी पहले सालसा। सैलड जो है हमारा, मैं यहाँ पर इस सैलड को ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून के बराबर सैलड को डाला है, जो ज़्यादा वेजी खाता है वो ज़्यादा वेजीज ऐड कर ले। अब मैंने ले लिए हैं बूंदियाँ। अब देखिए जो बड़ी बूंदियाँ हैं उनको आप ऐसे ब्रेक करके ऐड कर दें, और जो छोटी छोटी हैं उनको आप साबुत साबुत ही इसके अंदर फिक्स कर दें। तो ये मैं इस तरीके से इसके अंदर 2 बड़े साइज़ की बूंदियाँ फिक्स कर रही हूँ तोड़कर। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर हो जाता है आपके गोलगप्पों का इन बूंदियों से और इस सालसा से। अक्सर इसमें छोले डले हुए होते हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही का चटनी जो था, और यहाँ ले लिया है पानी। अक्सर लोग इसमें चने डालते हैं और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, मुझे ये तरीका थोड़ा ज़्यादा पसंद है। चले मैं इसको खा के ट्राई करके आपको बताती हूँ मुझे कैसा लगा। दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अमेजिंग, सुपर सुपर, वेरी नाइस, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुके हैं ये। मैंने सारे यहाँ पर रख लिए हैं। अब हम जो है इसमें दही आपकी मर्ज़ी है आप डालना चाहें या नहीं डालें। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट, बिल्कुल आपने ऐसे गोलगप्पे कभी नहीं खाए होंगे, बिल्कुल यूनिक है। भाई की फरमाइश पर तो बने थे, तो चलें भाई से ही पूछते हैं कि कैसे बने हैं। ओके भाई की स्माइल बता रही है बहुत ही टेस्टी है। तो भाई को आई पसंद और बाकी घर वालों को भी ये बहुत पसंद आई है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी मज़ीद यूनिक ट्रेंडी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।